तिम्रै बारेमा सोच्छ कुरा देखो लाइट चली गई, अब कहाँ से चार्ज करूँ यार, ऐसे मसले होते इधर। लाइट नहीं आज भी फिलहाल जहिले पनि भने जहिले पनि यार। हेलो अनि के छ त जनता, वेलकम रोप सर्जन सन्जी हुन्छ होला, वेलकम टु आवर न्यू डे न्यू ब्लग। सो गाइज अभी सुबह सुबह हम 11:30 बजे बस अभी जगे, ठीक है। आज पता नहीं थोड़ी सी लेट हो गई है जगने में, क्योंकि रात में लाइट भी नहीं थी और बस अभी अभी लाइट आई है। पूरे 2 या 3 दिन के बाद लाइट आई यार घर में, और सोलर भी चार्ज में रख दी अभी, मतलब इन्वर्टर भी चार्ज में रख दिया अभी फिलहाल। और मैंने बस फ़ोन थोड़ी सी चार्ज कर, मेरी फ़ोन तो पूरा ऑफ ही हो गई थी कल, तो फ़ोन अभी चार्ज करके 20% बना के उसके बाद मैं ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ आज की। और देख सकते हो इधर भाई अपने चटनी में लगे पड़े मस्त। अनि आरन जी के हो किन आज अनि हाम्रो हजुरमा त के हो त्यो यता अनि यता के लागेको हजुर फेरि यो यसरी खाँदा रे यता लाग्ने अरे। सो यस्तै छ, सबैजना आफआफ्नो व्यस्त हुनुहुन्छ अनि म मात्र एउटा बेरोजगार। ओके सो मस्त, पहिले हाम सुरुमै अपने हात मुँह धो लेते, ब्रस ब्रस करते, ओके अच्छी तरिके से। तो मेरो ब्रस के यता गयो, कहाँ छ मेरो ग्रिन हो कि कुन कलरको थियो त, यो होइन मेरो, ए अँ यो 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 हजुरको होइन हजुरमा, यही अँ यो हजुरमाको, यो त मेरो दोनों के मतलब ग्रिन ग्रिन हो कि ग्रिनरी। सो मस्त तरीके से अब ब्रश व्रश करूँगा, ठीक है, मस्त तरीके से ब्रश करके हाथ मुँह धो के उसके बाद आप लोग को मिलते हैं। ओके बोले वो लॉक सब इमेज पठा रहा है खाई दिखाते था, अरे देखा देखा था इतने ते भने के न त लव सब पठेर हात सर मुटु सुटु लुगा दो भन्दाखेरि अहिले दुदै नै म भन्दो अहिले उठो अहिले दुदै यस्तै छ के हजुरमा, यो एक नम्बरको फटायो हजुर, सुकाकन तोडे त्यो कुन कले तोडे के तोडे सुकाको त्यो त्यस्तै त्यो लुज भयो अनि कति अनि कहिले किन हान्नु भने म कि पहाड सोच्नु भयो क्या हजुरमाले मलाई यार, सोफाको मतलब मैले लात मार्के टुटा दिया बोल रहे, वो सोफा मतलब मुझसे भी बडा सोफा है, जम्मै मतलब कितना 4 या 5 मा छ नि हामी, हाँ हामी 4-5 क्लास मा हुने बेला देखिको सोफा हो त्यो, के नाटक वाला मानु पुरा त्यो नाटक तर मेरो जिउ जिउ फालो जा फाली जा जा तलो ता फालो ता मैले के गरे हैन, मैले भन्न खोजेको कि त्यो त्यति पुरानो सोफा त्यो त्यो निस्केर किला सिला हानेको अंगनवाडी निसदा नि एतु एतु बरात भयो एतु गरे त्यो आइ त्यतमा सोफा अनि यो त मान्छे नै नबसिस कसरी निस्किन्छ अहिले, यो त मान्छे बसिदा अब हामी त आउने जाने हुन्छ, यता भेट्ने मान्छे र हुन्छ दाएर हुन्छ, अहिले भेट्ने मान्छे आया को आगा दिन त तिमी दुई जना भाइ कोही पनि हैन, तीन जना भाइ म होइन मैले नभन्ने मैले मैले देख्नु भएको त्यही सोफा नि सुतेको सुत्नु देख्नु भएको छ कि हजुरले कहिले हजुरले कहिले देख्नु भएको थियो कि घर पनि भत्काला अब यी चप्पल खुजाइल म यसरी यसरी लड्याएपछि यस्तो हो यसो गर्ने यो र कि त यो हो कि त यो भयो भाइ अर्को होइन यी दुईजना मात्रै एकजना हो भाइले लात लाने मैले बलक मेरो सुबाइ छ त बनायो लाटे पडा रात परे सुबानी के हुन्छ सोपानी क्या पानी दी सोपानी क्या पो धानी ये गए मैं अस्ति एक्नो जनत बनात मैं दुईजना तीनजा का जनत बनात अस्ति तेरह तेती मं अभिषेक को अने अशोक को कति का घर एक सोफा के भैन अलग दुईजना मं आज ती सोफा तड़िया मैं तड़ी तर
तैयले लिमिरमा राखेका काठमाडौँ त्यति हामी म दिसवारी सुत्दै यी मद्दास यो मद्दस त्यहाँदेखि म यो सुत्दैछु तु सुत्दैछु त्यहीँ के भ्याएका छ कि त्यहाँ भनौँ नयाँ ब्लगमा हालेको छ मैले अब क्या क्या हुने अब असल में बात क्या की थी कि हमारी जो सोफा थी कमरे की ऊपर की फ्लोर की और मेरे रूम की वाली सोफा की मतलब उसकी टांग थोड़ी सी वो टूटी हुई है किल निकल गई और वो निकलने वाली वो सोफा टूटने वाली है। चलो गाइस यार इधर डिस्कशन चल गई यार हजमा की आज एक बात ही पता चली कि हजमा तो मतलब पहले लॉयर भी थी लॉयर है हजमा पहले हजू को पहला को लॉयर है हजर हजर लॉयर है पहला को लॉयर लॉयर वकील के वकील हो रहे ना अग्नि सो दादी पहले की मतलब लॉयर थी तो इधर आज दादी के साथ थोड़ी सी मतलब वो जज और लॉयर वाली वो डिस्कशन हो गई थी अभी जज जज का यता हेर्छ त जज यता हेर्छ न अर्डर अर्डर भन्नु खै कसरी भन्नुहुन्थ्यो हजुर खै त्यो पिन्नु पुन्नुले गर्छ नि अर्डर अर्डर भन्नु थियो ल जजले त अर्डर अर्डर भन्छ त ठक ठक आउँछ टेबल यसरी कै डङ डङ हानिखेन खै के भन्दा त्यस्तो भन्दा त्यस्तो गर्दाखेरि खै गर्छ नि एकचोटि अर्डर अर्डर भन्नु ल भन्छ नि एकचोटि हजुरमा उसमा गर्छ नि फेसबुक ल सो मसिदर अब खाना वाना खाने के लिए बन्दोबस्त चल रहे गाइज त्यो आज के बनायो हजुरमा तरकारीहरूमा खानाहरूमा आलु र के हो यो सिमी सिमी आलु र सिमी छ अनि देशी चावल हाम्रो इधर यो के को दाल हो हजुरमा मिक्स दाल अरू यो रही चटनी पुदिना कि अचार चटनी तो मैं सीधा चल रही खाना वाना डिस्ट्रीब्यूशन अब खाना वाना खाएंगे अच्छी तरीके से और उसके बाद आप लोग को मिलते होगे खाई तो आलम ना छिटो बोकाई सको अनि भाई कस्तो लाग रहा था आज तिमीले बिहान बिहान कति राम्रो राम्रो कामहरू गरे सुन रहा था मैले के राम्रो काम गरे मैले खै के गरे रे बिहान बिहान खै भर्खरै अघि भर्खरसम्म के गरे हैन बिहान दिदी तिमीले के गर्यो सबै सम्झौ त एकचोटि नुहायो के अरे उता रोपाइदेखि आएदेखि बल्ल नुहाएको ल हो र ल तिमी दुई तिन दिनपछि नुहायो यार बल्ल यार रोपाइदेखि आएको यार ल हामीले त्यत्रो नुहाएन हामीले त नुहाएन अर्को दिन पनि सोध्यो नि त्यो दिन त अनि हामीले टोइलेट गरेर नुहाएको मजाले ट्याङ्कीको तात तातो पानी आइरहेको थियो त्यही होइन भाइ तिमी यार फोरी नम्बर वान रहेछ यार लास्टमा आएर अनि तिन दिनपछि रोपाएको नि तिन दिनपछि नुहाउँछ कसैले चलो मसित खाना वाना हो कि ठिक हाम्रो बन्छु के अच्छी तरिके से खाते यसको कस्तो रहेछ तरकार त्यो चाखा पनि थोरै तरकार त मिठो छ त मैले बनाएको ओके अचार त एज अलवेज फायर हो अन्त भाइ अचार त तिम्रो हातबाट त मान्छेलाई मोहनी लगाइन्छ सो हाम्रो भाइ त अब ओलम्पिकमा कहिले जान्थ्यो भाइ गोल्ड अराउन्ड पर्छ नेपालको लागि चलो खानावाना खाएको गाई आप लोगको मिल्थ्यो कि आरन हो नि त कालले खाएको हेर नि त आम्मा कति खाएको है तैँले कति खाएको गुड बल्ल अलिकति इन्सपायर भएछ त्यही भनेको खानु खानु खायो अब अहिले यसलाई बित्छ के त्यो बित्छ हुनाले दिलकै अन्दर चाहिँ मतलब यसको ऊ हो गई कि मतलब खाने कि दिली अब मर गई यसकी त्यो अब मतलब बोला कि भेज होङ्गे अब इसके भेज मतलब ऐसे कुछ एक हफ्ते के लिए होंगे ज्यादा से ज्यादा चटनी है ना ल
भेज खा पुदिना गजा। चलो खाना खा के आप लोग को मिलते हो गए गाइस, लेट्स गो। सो गाइस मस्त खाना वाना हो गई है, ठीक है मस्त। अभी देख सकते इधर सब लोग इधर मस्त बैठ रहे, ठंडी ठंडी मतलब वो हवा लेके, मतलब ठंडी हवा तो कुछ नहीं आ रही, बस धूप ही है, आ तो धूप ही रही है, तो बस ऐसे ही बैठे सब लोग खाना वाना खा के। और आज के करने थे यार, आज कहाँ जाने वन घर अति बस रहे हजुर गाउँ गाउँ जाओ आज ओ अलि चिल्ल्या पछि अलि आज कति लाग्छ यहाँ दिन 1 घण्टा हो दिन 1 घण्टा लाग्दैन हिनेर मुटौका उतै टोक बाटी नि आउँछ बेर मुनि 1 घण्टा लाग्दो 1 घण्टा लाग्दैन ओ यो हट्छ नि ओ के हट्छ हैन को के हट्छ हैन म हिन्न सक्दिन भन्छ के हट्छ हैन परि को हजुरमा परि हट्छ हैन बरु सबभन्दा धेरै स्टामिना भएको त मै हो है। मतलब आज मतलब मैं सोच रहा हूँ कि उधर क्या बोलते हैं सेक्सी डाँडा के रे त्यो डाँडाको नाम सेक्सी डाँडा के रे त्यो डाँडाको नाम सेक्सी डाँडा त उता पर हो नर्सरी जाउ त्यही यता माथि हो के हामी तल त्यो ठुलो छ नि र डाल छ नि के हो सो देखते हैं गाइस यार कहाँ जाएंगे, ठीक है अभी तो फिलहाल कुछ फाइनल नहीं है। और अभी पता नहीं हजुर को भेटना आने भन्दै छिन् त हजुर 4 बजे 3 बजे तिर आउनु 3 बजे गर्नु कुन जुमला देखि। सो गाइस आज की मतलब प्लान इसलिए मैं मतलब कुछ सोचा नहीं हूँ, ठीक है क्योंकि हमें बजाङ बाजुरा और इधर ऊपर ऊपर जो जो भी मतलब डिस्ट्रिक्ट है ना, तो उधर से बहुत दूर दूर मतलब जगहों से हमें लोग मिलने के लिए आने वाले हैं। अभी शायद इतना ज़्यादा लोग तो नहीं, बस कुछ लोग ही, तो चाहे वो एक लोग हो या दो लोग हो या तीन लोग हो, मतलब वो लोग इतनी दूर से चल चल के ठीक है आ रहे हैं, तो मुझे मतलब उनको टाइम देनी पड़ेगी, तो इसलिए आज मतलब अभी जब तक वो लोग नहीं आएंगे तब तक हम घर से कहीं नहीं निकलेंगे, और वो लोग आने के बाद उसके बाद हम कहीं चले जाएंगे, देखते ऐसे कुछ करेंगे। ओके तो वेट करते हैं उनके लिए, अभी तो बस फिलहाल 12 बज रही है, तो अभी भी टाइम है बहुत ज़्यादा ही, तो देखते कब आएंगे। 9-10 बजती रहा 9-10 बजती तो मैं उठा थे अनि 9-10 बजे त उठानु आज नि पब्जी खेल्न आएन बिहान भर्खर भर्खर बत्ती आएको थियो सोलह सोलह चार्ज लगाएर मोबाइल चार्ज लगाएर मजाले बसिरहेको मेरो त उता भित्र छ नि कहाँ देख्छु। सो बोल्दै कि मतलब सुबह सुबह मतलब तिन लोग आए थे, तो उनले सोचा कि मतलब मैं तो हम सो रहे तो इसलिए फिर से दादी ने भेज दी, और साथ में बाद में मतलब और लोग को लेके आएंगे, साथ में आएंगे हम बोल के चले गए, तो संदेश देने के लिए आए थे सुबह, तो कोई नहीं अभी फिलहाल 3-4 बजे आ जाएंगे, तो उसके बाद हम अच्छे तरीके से मिलेंगे। ओके गाइस तो तब तक के लिए ऐसे वेट करते रहते, ऐसे ही ऊपर जाके रेस्ट करते और तो कहीं करे यार। सो गाइस इधर हमारी हजुरमा बैठ रही है अभी फिलहाल, और हजुरमा के काट रहे हजुर अनार को बोट। सो गाइस दादी ने यार अनार की बोट भी काट दिया यार, और गाइस ये देख सकते हो ठीक है, जो हमने इधर मकई लगाई थी कुछ दिन पहले आप लोग ने ब्लॉग देखी होगी, तो ये आ रहा ना ये कत्रो फल चुके यार डेढ़ हफ्ता भाई डेढ़ में, तर फिर यहाँ मात्र फल है यहाँ तो किन फले ना भर्खर कर। सो हमने जो इधर खुदाई की थी और इसमें हमने मक्के की वो सीड्स लगाई थी, तो अभी फिलहाल ऐसी हो चुकी है ये देखो कितना बड़ा हो चुके यार। अरे इधर बंदर बंदर ज्यादा ही आने लगे आजकल, अरे एक बंदर इधर एक बंदर की हेड ठीक है। पानी पर्छ सो हजुर में कता देखि नंबर हो। सो गाइस बारिश होने वाली है फिलहाल, तो देखते अभी कब आएंगे वो लोग, तो जब आएंगे हम मिलेंगे, पता नहीं बारिश हो रही है उधर मतलब उस गाँव उधर के गाँव में तो पूरा बारिश हो रही है, क्योंकि उधर पूरा काला बादल लगे और पूरा धुंधुन सी हो रही है। अब उधर की बारिश इधर भी आ रही है धीरे धीरे, देख सकते हो आप लोग आसमान भी काला काला होती जा रही है, तो इधर आसमान भी गरज रही है अभी फिलहाल, तो हम बस ऐसे बैठ रहे तो देखते कब आएंगे, वेट कर रहे फिलहाल, उसके बाद बाकी काम कर जाएंगे हम।
हमें क्या लग रहा है कि जो हमारे इधर आगे जो भैया लोग उधर दीदी लोग को वेट कर रहे तो वो लोग शायद और लोगों को आने के लिए वेट कर रहे और हमारे जो भैया लोग आ रहे वो इधर ही आ रहे तो देखते ठीक है शायद आ गए हमारे लोग मतलब जो हमें मिलने के लिए आ रहे थे शायद वही अंकल लोग होंगे आप लोग को मिलाते अगर इधर ही आ गए तो शायद मे भी ठीक है मैं बस हाँ इधर ही आ गए चलो सर मिलते उनके साथ हिजो अस्ति आउने मेरो श्रीमती हो बाजुराबाट सबैजना हामी भेटिसक्यौँ हाम्रो यता हुन्छ हाम्रो अङ्कलहरू हुन्छ दाइहरू हुन्छ आन्टीहरू अनि दिदी बहिनीहरू हुन्छ सबैजना सो उहाँहरू भेट्न हाम्रो कहाँदेखि आउनुभएको रे हजुर बाजुरा होइन त यस बाजुरा भनेको त हाम्रो यता गाउँदेखि अलिकति माथि यता कति घन्टा लाग्छ यहाँ एक घन्टा होइन त त्यस्तै एक घन्टा बाजुरा भनेको ठाउँ थाहा छ होला हजुरलाई सो उहाँहरूसँग फोटोसोटो खिच्यौँ अनि मजाले टाइम स्पेन्ड गऱ्यौँ अनि अब पानी पर्न लागेको छ अब खै कसै जान्छ बाजुरा पानी पर्न लागेको छ पुरै हावी लगाइरहेको छ उनको विदाई गरेँगे यसको बाद हामी इधर भेटेँगे बारिस हुने भयो फिर्से बारिस स्टार्ट गरेँ देखो इधर पुरा मौसम बोल रहा था बारिश हो गई बारिश होने शुरू हो गई अब सो चलो इसके टाइम स्पेंड हो गई अब उनको विदाई करते Bye. 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 Bye
सो गाइज चलो सबके साथ विदाई हो गई, मिलके थोड़ी सी टाइम स्पेंड किया, बहुत मजा आई। और मतलब दूसरे गांव से आए थे, बहुत दूर है वो गांव, ठीक है, और उधर मतलब इतना वो ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़्यादा ही मसला है वो उधर की वो रास्ते से, ठीक है, क्योंकि उधर की रास्ता इतनी खास नहीं है, अच्छी नहीं है। एटलिस्ट देख के मेयर अनि मसँग भेट्नु भयो, यसरी मायाहरू दिनुभयो, स्वागतहरू यस्तो यताउति गरिदिनु भयो, अनि इट्स ए ह्युज थिङ फर मी, होइन, आफ्नो सबैजना फ्यामिली आएर अर्कै गाउँदेखि यस्तो ठाउँमा, होइन, त्यो भएर चाहिँ इट्स ए ह्युज थिङ, मच लभ, यसरी माया राख्नुलाई, है, लभ यु अल सबैजनालाई, हाम्रो जो जसले मसँग भेट्न पाउनु भएको छैन, केही छैन, बिस्तारै भेट्दै भेट्दै जाउँला, नभए हजुर यसरी घरमा आउनु सक्नुहुन्छ, आनन्दले भेटेर जान सक्नुहुन्छ, ओके, नो वरिज, है त, फेरि रिसाउनु भएको होला, यता हाम्रो अछामको मान्छेहरू यस्तो केही नरिसाउनु होला, होइन, आउनु मजाले भेट्नु, हजुरको भाइ हो, नाति हो, बाबु भेट्नु जानुहोस्, केही छैन, ओके, चलो, बारिस हुने वाली यार, देखो मैले बोल्न त कि बारिस हो कि इधर बारिश होने वाली, अब फिर से लाइट चली जाएगी, नेट चली जाएगी, बस अभी सुबह सुबह लाइट आई थी, अब मतलब सब कुछ पहला तुलुत, अब बारिश होने वाली है ना फिर से, अब लाइट और वो सब कुछ चली जाएगी यार, अब वही यही तो मसला है, आप लोग समझते नहीं हो यार, बारिश नखरे कर रहे, लाइट नहीं, ये वो पबजी में तो आता है, अरे पबजी में इसकी पता नहीं कहाँ से हॉटस्पॉट चलती है इसकी, वो भी मतलब इतनी अटक के, वो भी मतलब खेला हुआ है, नहीं भन्नु युट्युबको एउटा भिडियो पनि खुलिन्छ र टिकटकको त धेरै टाढै कुरा, युट्युबको एउटा भिडियो खुलिन्छ, त्यस्तो खालको नेट चल्छ क्या, एसी नेट इधर चल्थ्यो, यहाँ त मैले जलजली अब काठमाडौँ जाने वाला हुँ, क्योंकि रोपाई भी होगी, सब कुछ हो गई, अब बस दादीको लागि कुछ इधर थोड़ी सी एक काम बाँकी, सायद कल तक हो जाएगी, तो उसके बाद हम काठमाडौँ सिधा, मतलब ये सब नेचर से बहुत मजा तो आ रही है, ठीक है, पर नेचर की वजह से मतलब अपने काम भी रुक रहे हैं ना थोड़ी बहुत, क्योंकि लाइव नहीं जा पा रहा हूँ मैं, ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ मैं अच्छे से, अब ये ब्लॉग भी पता नहीं कल सुबह मतलब ये ऑफिस में जाके मुझे इधर की नेट मांग के फिर से अपने लैपटॉप में मतलब मैक में उसके बाद उधर से अपलोड करनी पड़ेगी, वो भी उधर एक डेढ़ घंटा दो घंटा लगती है, तो पिछले टाइम भी लास्ट टाइम भी रोपाई की ब्लॉग भी इधर ही जाके किया था, क्योंकि घर में नेट नहीं और डेटा तो चलते नहीं इधर अच्छे से, तो ऐसे ऐसे मसले बहुत कुछ है, पर कोई नहीं, हम कर रहे अपने जितने हमसे हो पा रही है, ओके, फ़ोन को भी चार्ज में रखते क्योंकि लाइट श्योर जाएगी, अभी तक तो नहीं गई है, अगर अभी तक भी चली गई भी शायद, देखो लाइट चली गई, अब कहाँ से चार्ज करूँ यार, ऐसे मसले होते हैं इधर, तो इन्वर्टर से जितने भी चार्ज हुए उससे मैं मतलब फ़ोन चार्ज करूँगा और उसके बाद आप लोग को मिलते, ओके गाइस, हजुमा दे कहाँ हो अरे फेरि उता बाख्रा भगाउन न, आइसु हजुमा, यता पानी पर्न लागेको छ, नगइसु उता, हजुमा यता आइसु भने नगइसु, त्यहाँ पानी पर्यो, ऊ आकाश आकाश गरेर है रेन्जर, ओए कस्तो कालो भएको थियो अहिले, देख्छ त्यो गाइस यार पछि यार, बादलै देखो यार, बादलै डेन्जर है यार, और गाइस देख सकते हैं आप लोग हमारे इधर गांव कहाँ दी ले रहा है इन्हों करे काफल यार गाइस, ये काफल में यानी कि मतलब बहुत टेस्टी होती है यार, मेरे तब से खा खा के इधर बहुत मजा, भाई खाऊं ना, कितनी मीठी होती है काफल, काफल का दाना टुक रुक कहीं, खाई चल मजा, कितनी मीठी है, मीठो लगता है मजा, काफल आज नून खुर्सा सादर इतनी मीठी होती है अंत भाई, तर फेरि यो रगत चाहिँ नाश गर्छ कि यसले, मतलब रगत धेरै बनाउँछ कि फेरि जिउमा, थाहा, नाकदेखि रगत आउने यताउति गराउँछ फेरि धेरै खायो भने, सो गाइस देख सक्थ्यो यार पुरा मतलब यार उधर यार पुरा मिट्टी मिट्टी उड्के कसरी हालत हुयो उधर, त पुरा यसरी हालत है भाइ, अरू हामी इधर मस्त काफल खाए, बारिस बारिस हुन लग्यो, जाति भाइ अन्त फोन चाल लगाएको थियो, काफल खाएको बेठेङ्गो इधर पिलाना था कि, सो गाइज आप लोग ये देख सकते हो, ठीक है, जो हमारी मतलब बारिश की वजह से इधर की जो टावर है लाइट की वो बिगड़ गई है, अब पता नहीं कब बनेगी, समस्या इधर बन रही है, ठीक है, पीछे और बारिश हुई थी अभी बहुत जोरदार टकदार, और अभी मतलब शाम की 7 बज चुके और हम थोड़ी सी मतलब खाने वाने के सामान वान जूस वूस लेके आ रहे थे रास्ते में, तो ठीक ये दिखाई दिया हमें, तो होप कि आज बन जाए यार, ना लाइट है ना कुछ यार, दुकानों में जा जाके मतलब नीचे दूसरी मतलब गांव में जा जाके चार्ज करनी पड़ रही है फ़ोन, इन्वर्टर भी मतलब ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, हजुमा इधर क्या कर रही है यार, हमारे घर तो उधर ही, हजुमा इधर क्या कर रही है, चलो देखते गाइस, ओहो क्या कर रहे हो हजुमा, हजुमा क्या दे साग मांगे, दर्शन दर्शन, सो गाइस इधर दादी अपने दोस्त को के गरे रोप्ने यो
ए घर के लिए मतलब गाइस ये रोपाई करने के लिए घर में लगाएंगे दादी अब ये साग। सो इधर मतलब ये छोटी सी एक गार्डन हमारी दादी की इधर की हेर्ने दा हजुरले रोपाई गर्नलाई साग लिँदै हुन्छ रोपाई गर्नलाई कि साग रोप्नलाई घरमा आइस हजुरमा हामी गयौँ है त घर गएर हामी आइस्यौँ आइसन सँगै जाम त्यसो भए सबै मतलब गाई चाहिँ देख्छ त्यो आफ्नो ठिकै शाम कि 7 बज रही अरे एसी यार वेदर हजुर अहिले कस्तो पानी पर्यो त परेन पानी पानी परेन रे वे गफ हेर्छ फेरि यस्तो पानी पर्यो तल साउरेन गफ एकछिन पानी चाहिँ भन्ने भन्छ ओए हुन्छ हावा लाग्यो यार ए त्यो भाइहरू के अरे उता बाँकी उता अडा आएको अरे कहाँदेखि रे भाइ बाँकी अड कि कता रे बाँकी अडेर काम गर्न आएको रहेछ क्या यता कामहरू भइरहेछ नि गाई उता उयो उसको सौर्य विकासको यो उसको त्यो इसके लिए मतलब इधर इधर जो आप लोग देख रहे हैं छोटे छोटे घर इधर मतलब सब मतलब जो जो काम करते हैं उधर तो वो लोग इधर बैठते हैं ठीक है। सो गाइस हम मस्त इधर घर चल रहे ठीक है हजुमा देता हजुमा के लिए चल दे साग है भिंटा तो ये सब मतलब रोपाई करेंगे दादी अपनी खेतों में आगे की जो आगे जहाँ हमने मक्के वगे लगाई ना उधर अब देखो कितना तेज हवा लग रही है यार ऐसी मस्त वाली वेदर हो रही है अभी फिलहाल रात हो चुकी है लाइट नहीं है घर में पहला होने वाली यार काटेको रोडको लागि है दादी आफ्नो मतलब जो भी हामी हाम्रो जमिन थियो दादी कि त्यो सब मतलब रोड के लिए गए 12 रोपनी यानी कि बहुत ज्यादा होती है जो आप लोग उधर से लेके इधर से देख तक देख सकते हो इधर तक तो ये 12 रोपनी की जमीन है ठीक है उधर तक उधर और आगे तक है तो अभी बस ये बीच से रोड ले लिया और इधर से भी रोड लेने के लिए बात कर रहे पर दादी इधर की जमीन नहीं दे रहे तो देखते क्या होगी हमारी जमींदार दादी आनन्द पुगिसक्यो ओ बत्ती छ छैन लो भाइ बत्ती नै यहाँ गाइस लाइट नै आज प्लान जहिले पनि भने जहिले पनि यार बेलुका थोरै हावा लाग्ने बित्तिकै पानी के अरे थोरै पानी पर्ने बित्तिकै बत्ती गयो बुझ्नुहुन्छ पर्यो तल अघि कस्तो डेन्जर परेको तल यता हामी अघि गएको ठाउँ थियो तल यता साफेमा कम त परेन अहिले ए माथि परेन होला पानी उता तल त हावाहरू ल्याएर परेर पानी डेन्जर अब अब पर्छ हजुरमा यता माथि चलो गाइस घर पुग्छ अब लाइटको इन्तजार गरेंगे सोलरमा पनि पता नहीं बस सुबह लाइट आइदी उसके बाद चली गई एक डेढ़ घंटे के बाद कितनी चार्ज हुई पता नहीं पर मस्त हवा लग रही है अभी अरे लाइट आ गई हजुर लाइट आयो हजुर लाइट आयो ओए ओए सोलर 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 चार्ज में सही इन्वर्टर खन है ना ये लाइट चली जाएगी गाइस अभी अभी कभी मतलब कुछ आधे घंटे में चल जाएगी तो जब भी लाइट आया करे तो सीधा मतलब इन्वर्टर को चार्ज में और फोन को चार्ज में जा रहा हूँ फोन को चार्ज में रखने और देखो ये चांद मोटू अभी दुबई में है ना मेरे चांद तो इसीलिए ये चांद को देख के गुजारा करनी पड़ेगी चलो मैं फोन चार्ज कर देता हूँ जल्दी जल्दी यार लाइट चली जाएगी फिर आइए तो फोन चार्ज आइस हम रेड भी खाते उसी रहा इन्वर्टर चार्ज सही से ना इन्वर्टर के भी चार्ज आने गई तो मस्त इन्वर्टर ही चार्ज हो रही है अभी चलो हमारे फोन भी चार्ज करते हैं। सो गाइज बस अभी ठीक है फिलहाल फोन वन चार्ज कर लिया अच्छे तरीके से और मैं तो लाइव भी वो चार्ज करते करते लाइव भी चला गया था और मस्त लाइव वाइव किया और फिलहाल मेरी लाइव भी ख़त्म हो चुके और बस अभी थोड़ी देर ऐसे ही वासी लोगों के साथ
पबजी उबजी खेल रहा था ऐसे टाइम पास। और उसके बाद अभी बज रही है रात की 1 बज रही है और इधर हमारी चल रही ब्लॉग एडिटिंग मस्त तरीके से। और आज लाइट नहीं गई है शुक्र, मतलब अभी अपलोड ब्लॉग अपलोड करते वक्त चला ना जाए ऐसा नहीं करते। चलो अभी फिलहाल मैं इधर ही ब्लॉग एंड कर देता हूँ ठीक है गाइस। और आरन लोग सब लोग तो सो गए मस्त, और बस मैं भी ब्लॉग व्लॉग एडिट करके ख़त्म करके उसके बाद अपलोड में डाल के सो जाऊँगा। एंड वही है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में ठीक है। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग, होप आप लोग को अच्छी लगी हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब बूम बम पलम पाल करना ना भूलिएगा। एंड टिल देन सी यू ऑल इन नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो काली है।